हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आयुष पाठक आपके अपने चैनल रेडमी ब्लॉगिफाई पे एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमें जीवन जीना चाहिए तो श्री रामचंद्र जी की तरह हमें जीवन सीखना चाहिए कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिया जाता है और जीवन में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये हमें एक ही अवतार में और एक ही रूप में भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने हमें सिखा दिया है कि जीवन एक त्याग है, जीवन एक एक परिश्रम है और जीवन एक संघर्ष है। और इसमें जितना आप त्याग देंगे उतना ही उसमें आप में आग में घी का काम करेगा। और मनुष्य का जीवन ही एक परीक्षाओं से भरभरा हुआ जीवन है, क्योंकि भगवान राम जैसा कठोर जीवन, पूरे जीवन भर कठिनाइयों का सामना उन्होंने खुद धरती रूप में ये चीज़ हमको सिखाई है आके कि मनुष्य को कैसे अपने सारे दुखों परेशानियों में रह के कैसे हमें मर्यादा के साथ, अपनी संस्कृति के साथ और कैसे अपने आचरण के साथ रहना चाहिए। कितना भी कष्ट हो जाए, कभी हमें गलत रास्ता, गलत आचरण नहीं स्वीकार करना चाहिए और एक हमें अपनी मर्यादा के अनुकूल ही हर काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा त्याग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही त्याग और परिश्रम से मिलकर बना है। आप किसी को भी, किसी भी महात्मा, महामुनि, किसी भी ऋषि मुनि को उठा लीजिए, उनके जीवन में ये दो चीज़ें तो आपको हर किसी के जीवन में दिखेगी, गौतम बुद्ध जी से लेकर सबके जीवन में, कि उन्होंने जीवन में त्याग, परिश्रम और कठिनाइयों का सामना इतना किया है तब जाके वो आज उठे। लेकिन उनमें एक खासियत बात थी कि उन्होंने अपने धैर्य, अपना संयम, अपनी कुंडलियों को एकत्र रखा और कभी गलत चीज़, गलत रास्ता, कभी गलत जगह और गलत तरीके से कभी कोई चीज़ को सोचा नहीं। तो हम लोग जरा सी परेशानियों में देख के घबरा जाते हैं, हमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से सीखना चाहिए कि उन्होंने तो वो तो खुद स्वयं में ईश्वर थे, वो तो सब आराम से करते, पर उन्होंने ये कठिनाइयाँ सिर्फ हम मनुष्य को दिखाने के लिए झेली थी कि देखिए मनुष्य, आप लोग सोचते हैं ये देखिए हम भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने राजा होकर जंगलों में 14-12 साल काटे, जो आज शायद कोई मनुष्य काट नहीं पाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी से इतने बरसों दूर रहे, वो अपने जान से प्रिय भाई से इतने साल दूर रहे, इतने कष्ट उन्होंने झेले पैरों में कांटों से लेकर, मतलब उनका पूरा जीवन ही आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण रामचरितमानस में, पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ कठिनाई कठिनाई कठिनाई, चाहे वनवास से पहले, चाहे वनवास के बाद, चाहे सीता जी को लाने के बाद, सिर्फ उन्होंने दुनिया के बारे में सोचा और दुनिया के बारे में ही सिर्फ उन्हें कष्ट ही कष्ट मिला, क्योंकि उन जैसा राजा आपको कभी जीवन में नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी मर्यादा में रहे। उन्होंने भले ही वो भूखे रहे हों, कितनी भी कठिनाइयां झेली उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं लागा। उन्होंने हमेशा अपनी मर्यादा, अपने आचरण और जो उनके गुरु जी द्वारा दिए गए संस्कार, उसका उन्होंने स्वयं स्मरण किया और हमेशा उसका पालन किया। कभी एक भी चीज़ उन्होंने मर्यादा से पूर्ण नहीं करी, वरना वो तो हर चीज़ अर्जित कर सकते थे। लेकिन उन्होंने रावण को भी मनुष्य रूप में मारा, कर्गो को ये ना कह सके कि रावण को आपने, भगवान थे आपने मार दिया। उन्होंने मनुष्य रूप में और मनुष्य की तरह, मनुष्य के जैसे ही उसे मारा, किसी भी शक्ति का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। जो मनुष्य के अपने पास थी पूरा वैसा ही जीवन भी के उन्होंने मारा, वरना उनके लिए रावण तो एक मिनट का काम नहीं था। तो इसीलिए वो हमें सिखा के गए हैं कि मनुष्य का जीवन आपको अगर ईश्वर ने दिया है तो उसे कितनी भी कठिन परिश्रम, कितनी भी कठिन समस्या हो, और उसमें अपने आप को कभी भटकने मत दीजिए, और अपना जो आपका जो कर्म है, जो आपने जो अपना सोच रखा है, जो आपका धर्म कर्म है, आप उसका पालन करते जाइए। ईश्वर हर कदम पर आपको सहायता देगा। कठिनाइयाँ ज़रूर होंगी, पर एंड ऑफ द रिजल्ट आखिरी में सफलता आप ही की होगी, क्योंकि कभी किसी का परिश्रम, कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती। और ये चीज़ भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिखाया है कि सब्र कर बंदे, मेहनत करता जा, ये मेरा वादा है कि तेरी मेहनत जैसी होगी वैसे तुझे तेरा कर्म मिलेगा, तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी और ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए, बस कर्म के प्रति और ज़्यादा एकाग्र होते जाइए और कभी डरिए मत, घबराइए मत कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ईश्वर आपकी कदम कदम पे कठोर से कठोर परीक्षा लेता रहेगा, पर अगर आप एक बार भटक गए तो फिर आपकी जी पीछे की जितनी भी मेहनत है वो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो और ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।